हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दे सके। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आरक्षण को लेकर बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर अर्जेंट हियरिंग करने से किया इनकार। ये आज ही की अपडेट है, आज ही की जानकारी है। आप सभी साथी जान रहे हैं, आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ था अर्जेंट हियरिंग को लेकर, ठीक है। लेकिन अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई साथियों, और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर अर्जेंट हियरिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, युवाओं को अब 23 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आरक्षण पर अब और लेट लतीफा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ मैं आज ही के वीडियो में बताया हुआ था आप सभी साथियों को, आज नहीं कल की हमने वीडियो में आप सभी को बताया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है और उसी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके वजह से 76% आरक्षण रोस्टर लागू करने को लेकर ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है, क्योंकि कहना चाहिए इसमें हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बिल्कुल इस पर कोई कहना चाहिए त्वरित सुनवाई नहीं हो सकती। देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण मामले पर चल रही सुनवाई पर एक अहम फैसला दिया हुआ है, एक अहम फैसला आज आया हुआ है। उच्च न्यायालय के 58% आरक्षण मामले पर दिए आदेश पर रोक लगाने वाली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ साथियों, याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उपस्थित थे। जस्टिस बीआर गवाई ने सरकार के पक्षकार कपिल सिब्बल से कहा कि 58% आरक्षण का मामला अब फाइनल हियरिंग के दौरान ही सुना जाएगा तथा सरकार को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गई है। मामले की अंतिम सुनवाई 22 मार्च को होगी। जी हां साथियों, अब जो निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट की, लास्ट सुनवाई होना है वो होगा 22 मार्च को, और इसी दिन इस पर कोई ठोस फैसला आएगा। देखिए साथियों, यदि सरकार इस 22 मार्च का इंतजार करेगा तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा साथियों, बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा यदि 22 मार्च करता है। अब यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या सरकार वास्तव में 22 मार्च का इंतजार करेगी आरक्षण को लेकर, या बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी जो नौकरियां हैं वो निकालेंगी। ये सरकार को तय करना है, सरकार के मंत्रियों को तय करना है, और सरकार से जुड़े सभी आला अधिकारियों को तय करना है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ। जय हिंद।